नमस्कार। आज बनाएंगे रसे वाली अरवी की सब्जी। ये थोड़ी बड़ी साइज़ में आ गई हैं, तो पहले सबसे पहले इन्हें धो करके छील लेते हैं। इस तरह से सभी अरवियों को हम छील लेंगे। ये पहाड़ी अरवी है तो हाथों में खुजली नहीं होगी। देसी अरवी से खुजली होती है। अगर फिर भी आपको होती है तो आप सरसों का तेल लगा सकते हैं छीलने से पहले। अरवी को अच्छे से छील लिया है। अब इसके थोड़े से बीच में से कट करके पीस कर लेते हैं। क्योंकि बड़ी अरवी है इसलिए मैंने इसमें से बीच में से काटा। अगर आपकी छोटी अरवी है तो आप ऐसे भी काट सकते हैं। और आप इसके थोड़े लंबे लंबे पीस काट लेते हैं इस तरह से। अरवी को पीसेस में काट लिया है, आप देख पा रहे होंगे। 2 चम्मच आटा डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसका जो लिसलापन है वो ख़त्म हो जाए। और इस तरह से अच्छे से इसको मिला लीजिए। मसाले को 10 मिनट पहले ही भिगो कर रखेंगे। तो 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच है लाल मिर्च, थोड़ा सा तीखा बनाएंगे। थोड़ा सा पानी डाल करके इसको भिगोने रख देते हैं। मसाला तैयार करेंगे। 4 मीडियम साइज की प्याज है और जो लहसुन है वो थोड़ी मोटी गांठ है, तो आपका अगर पतला है तो थोड़ा ज़्यादा सा डालेंगे इसमें हम लहसुन। और छील करके इसको पीस लेते हैं। और डालेंगे इसमें खसखस, अगर आपके पास नहीं है तो आप 4-5 काजू भी डाल सकते हैं, और वो भी नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल करके इसको पीस लेते हैं। इसको 10 मिनट हो गए हैं। अब चलते हुए पानी से इसको धो लेते हैं अच्छे से रगड़ के। सारा आटा निकाल लें आप इसका धो करके। चलते पानी से ही धोएंगे आप इसे। देखिए अरबी में बिल्कुल भी लिसलिसाहट नहीं है और बिल्कुल साफ हो गई हैं। अब बनाते हैं अरबी की रसे वाली सब्जी। 1 चम्मच सरसों का तेल लेकर के उसको अच्छे से पका लिया है। डालते हैं इसमें हम 1/2 चम्मच अजवाइन। अब डालेंगे इसमें लहसुन प्याज का पेस्ट। प्याज भुन गई है, अब डालेंगे इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च। इसको अच्छे से भून लेते हैं ताकि रंग अच्छा आए। इसमें हम भीगा हुआ मसाला, मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। डालते हैं इसमें अरवी के कटे हुए पीस। कटे हुई अरवी को मसाले के साथ भूनते हैं। अनुसार नमक डालते हैं और 2-3 मिनट और भूनते हैं इसको। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। पानी मैं इसलिए नहीं बता पाऊंगी क्योंकि कभी किसी अरबी में तो ज़्यादा पानी लग जाता है और कभी कभी किसी अरबी में पानी बहुत कम लगता है, वो पानी छोड़ देती है इस तरह से। तो आप अपने अनुसार ही रख लें पानी। मैंने इतना पानी डाला इसमें, देखिए आप। और 3 सीटी लगाते हैं। सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब देख पाएं कि मैंने इतना रसा रखा है इसमें। अब आप गरम मसाला डालकर इसको सर्व कर सकते हैं।